चॉकलेट एनिमल्स। काशी नाम के गांव में जित्तू नाम का एक आदमी रहता था। वो छोटे बच्चों के खिलौने बेचता था। जित्तू बड़ा लालची था। 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचता था। ऐसे जब था तो एक दिन रुक्मिणी नाम की एक औरत अपने बेटे के साथ जित्तू के खिलौने की दुकान में आई। अब जित्तू से रुक्मिणी, क्या जित्तू भाई, परसों जो तुमने हाथी का खिलौना दिया वो टूट गया है, उसके लिए 500 लिया, अब मैं क्या करूं? यूं कहा जित्तू। अरे ऐसा है क्या, एक काम करो माँ, पूरब की तरफ मुड़कर प्रणाम करो तो सच में असली वाला हाथी तुम्हारे पास आ जाएगा शायद। वैसे तुम क्या सोचती हो, 500 रुपए जो दिया उसमें असली हाथी आ जाएगा क्या? यूं कहा रुक्मिणी। रे चोर कहीं के, तुम हमें कितना धोखा दे रहे हो, हमें परसों ही पता चला। परसों मेले में वही खिलौने के बारे में पूछा तो 100 रुपए का, लेकिन तुम 500 रुपए में बेच रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? यूं बोली जित्तू। देखो मेरे धंधे का स्टाइल यही है, पसंद हो तो खरीदो वरना नहीं। अब और ज्यादा बात की तो तुम पर पुलिस केस डाल दूंगा। कहने से वो वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। फिर गांव में जित्तू के बारे में सबको बताई। इससे गांव वालों में कोई भी जित्तू के दुकान से खिलौना खरीदना बंद कर दिए। ये देखकर एक दिन घर पर अपनी पत्नी दीप्ति से जित्तू। ये सोचते हैं कि यही सबसे होशियार है, उन्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। देखो मैंने मस्त प्लान बनाया, अब तक खाली था ना, अब इनसे मैं 100 गुना दाम लूंगा। यूं कहा दीप्ति। क्यों जी, लोगों के साथ क्यों लड़ाई करते हो, जब उन्हें कुछ बेच रहे हो तो जरा रीजनेबल बेच सकते हो ना जित्तू। देखो मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगा, बस बता रहा हूँ, जल्द ही हम करोड़पति बनने वाले हैं। कल ही दूसरे देश से चॉकलेट एनिमल्स मंगवा रहा हूँ, उन्हें बच्चों ने देखा तो रुकेंगे नहीं, माँ पिता के ऊपर कूद कर जिद करके जितना भी दाम लगाऊंगा खरीद कर देंगे। एक और बात जानते हो, मैं कल जब जंगल गया तो वहाँ एक लिलीपुट छड़ी से मैजिक कर रहा था, उसे चोरी छिपे चकमा देकर उसका जादुई छड़ी लेकर आया हूँ। उसका इस्तेमाल किया तो वो बच्चों का चॉकलेट एनिमल्स रात को अपने घर खुद ब खुद भाग कर आ जाएंगे। दीप्ति छी, जितना भी कहो आपको समझ ही नहीं आता, बच्चों के साथ ऐसे अन्याय करोगे तो पाप लगेगा जानते हो, कहकर वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन जित्तू अपने दुकान में चॉकलेट एनिमल्स रखा। फिर लोगों से जित्तू, आओ भाई आओ, आओ बच्चों आओ, अद्भुत चॉकलेट एनिमल्स, अच्छे से खेल सकते हो, फिर एक दिन के बाद अच्छे से खा भी सकते हो, एक बार खरीदोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, आओ बच्चों आओ, यूं कहा। इससे वो चॉकलेट एनिमल्स को देखकर बच्चे खूब जिद करके अपने माता पिता को उस दुकान के पास ले गए। जित्तू बहुत दाम बोलने पर भी बच्चों के जिद की वजह से उनके माँ बाप किसी भी हालत में खरीद कर देने लगे। फिर बच्चे उन खिलौनों को घर ले जाकर अच्छे से खेलने लगे। अब रात हो गई। जित्तू, हे जादुई छड़ी, मेरे सारे चॉकलेट एनिमल्स मेरे पास वापस आना होगा, ऐसा करो, यूं कहा। बस जित्तू ने सुबह ही जो चॉकलेट एनिमल्स बेचे, सुबह तक ही जित्तू के घर भागकर आ गए। उन्हें देखकर जित्तू बहुत खुश हुआ। ऐसे रोज जित्तू बच्चों को चॉकलेट एनिमल्स बेचना और फिर रात को जित्तू के पास वापस आ जाए, ऐसे करने लगा। एक दिन बच्चों को शक हुआ तो बिना सोए अपने चॉकलेट एनिमल्स को एक जगह पर रखकर उन पर नजर रखने लगे। रात होते ही जित्तू मामूली रूप से जादुई छड़ी से मंत्र पढ़ा। बस वे चॉकलेट एनिमल्स अपने आप आंखों के सामने जाते देखकर बच्चे दंग रह गए। फिर बच्चे उनका पीछा किए, फिर देखा कि वे सब जित्तू के पास जा रहे हैं और वे आश्चर्य में पड़ गए। फिर वे लोग जित्तू के हाथ में जादुई छड़ी देखकर धीरे से, जब जित्तू सो रहा था, उस जादुई छड़ी को चोरी कर लिए। फिर अगले दिन वो सबसे अनजान जित्तू दुकान के पास था और दूर से कुछ बच्चे जित्तू पर गौर करने लगे। अब जित्तू के दुकान के आगे खूब सारे चॉकलेट एनिमल्स रखे हुए थे। उन बच्चों में से एक जादुई छड़ी घुमाकर, ओ जादुई छड़ी, अभी जित्तू से हमारे चॉकलेट एनिमल्स धीरे धीरे हमारे घर में चले जाए, यूं कहा। बस दुकान में मौजूद एनिमल्स सारे रोड पर इधर उधर जाकर भागने लगे। वो देखकर जित्तू उन्हें पकड़ने की सोचा, लेकिन वे खूब तेज जा रहे थे तो उसके हाथ ही नहीं आए। इस तरह जित्तू जितनी बार भी नया स्टॉक लगाता, बच्चे ऐसे मंत्र जब पढ़े तो जित्तू को लगा कि ये सब
उस लिलीपुट का किया धरा है, ये सोचकर उस चॉकलेट एनिमल्स व्यापार को ही बंद कर दिया। जित्तू को सबक मिला तो सारे बच्चे खुश हो गए।